नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपीटीवी मीडिया न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ दीपक चौधरी। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों का घर वापसी का सिलसिला अभी भी जारी है। कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए गुजरात से मजदूरों के पैदल ही अपने घर की ओर चल देने की तस्वीर सामने आ रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने इन मजदूरों के लिए अब अहम कदम उठाए हैं। रोज कमाकर अपना पेट भरने वाले दिन दिहाड़ी मजदूरों के लिए लॉकडाउन की स्थिति में रोजगार का संकट छाया हुआ है और इन्हें खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर पैदल ही दूसरे राज्यों में अपने घरों की ओर निकलने को मजबूर हुए हैं। ऐसे में सरदारपुर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से नायब तहसीलदार परिहार जी ने राजगढ़ शहर में गुजरात से आए मजदूर की स्कैनिंग कर तथा मजदूरों को भोजन कराकर बस में रीवा के लिए रवाना किया गया तथा स्कैनिंग के दौरान सभी मजदूर स्वस्थ पाए गए। हमको सूचना मिली थी कि कुछ मजदूर गुजरात से आए हैं, तो इन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण, मतलब कोरोना से रिलेटेड जो परीक्षण होता है वो करना था, स्क्रीनिंग। हम लोगों ने सारे करीबन 99 मजदूर गुजरात से पलायन करके आए थे, तो इन लोगों के कि हमने स्क्रीनिंग करी है, सारे मजदूर स्वस्थ पाए गए, किसी न किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। और राजस्व विभाग सरदारपुर के द्वारा कुछ बसों को अधिग्रहित करके उसमें मजदूरों को बिठा के व्यवस्थित रेलवे स्टेशन इंदौर पहुँचाया जा रहा है। मैं मेडिकल ऑफिसर राहुल गुलिया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र।